को पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गोल्डन चेस। सोफा वाली चेयर्स, लाइक सोफा चेयर्स वी हैव वुडन में भी, आयरन में भी है। वी हैव सोफा, वी हैव बीन बैग्स, वी हैव लाइक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। बेसिक थिंग दैट व्हाई दिस टेबल्स आर फेमस फॉर इज द डिजाइन, इट्स द यूनिक डिजाइन दैट्स अवेलेबल रेयरली। को पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गोल्डन चेयर्स, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशन की है और अपना मुकाम जो है हासिल किया है। बात कर रहे हैं उस क्रिएटिव बच्चे के साथ जिसने ये स्टार्ट किया। बेटा स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। बेटा इतनी यंग एज में आपने ये इनिशिएटिव लिया और उस मिशन को कामयाब करके दिखाया, और केवल एक ही नहीं, जैसे आपकी चेन बन रही है और आगे आगे ये चेनें बढ़ रही हैं और आने वाले समय में फ्रेंचाइजी मोड पे हैं जैसे आप लोग, तो पंजाब हरियाणा हिमाचल हर जगह पर ये जो है गोल्डन चेयर पहुंचेगा, क्या कहना चाहेंगे? सी अभी ये फर्स्ट आउटलेट है गोल्डन चेयर का, लाइक पहले है बट वो अलग नेम है। वैसे हम 34 इयर्स से वी हैव स्टार्टेड, मतलब मेरे दादू ने स्टार्ट किया था, देन पापा ने, देन अभी आई एम कंटिन्यूइंग दैट। सो बेसिकली मेरा ऐसे कोई बिजनेस में आने का कोई मोटिव नहीं था, बट इनिशियली जब बंदा फ्री होता है तो होता है कि कुछ ना कुछ करते रहे, ट्राई करते रहे, तो आई वाज लाइक कि चलो जब तक कॉलेज है देन आई विल हेल्प इधर। बट अब बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, सो आई थिंक कि जाएगा पक्का। क्या कहना चाहेंगे कि पापा और उन्होंने ये बूटे लगाए, दादू ने स्टार्ट किया, पापा ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन जो ढंग आपने बढ़ाया है, जैसे आपने एक ऐसी ग्रोथ की है जो यूथ के साथ अटैच है, जो आज का सिनेरियो है, क्या कहना चाहेंगे? सी यूथ आजकल बहुत क्रिएटिव है, लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग नॉट सिर्फ यहाँ पे बट हर जगह यूथ बहुत क्रिएटिव है। बस वो अपनी क्रिएटिवनेस कहीं ना कहीं दिखा रहा है, कोई कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनकर दिखा रहा है, कोई नेल आर्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो बस क्रिएटिवनेस अपनी डाइवर्ट कहाँ करनी है दैट डिपेंड्स। तो आई जस्ट चूज दिस। बेटा क्या कहना चाहोगे कि आज का जो यूथ है उसके माइंड में ज़्यादा फॉरेन का ट्रेंड रहता है, और वहाँ जाकर चाहे वो कॉफ़ी बनाएं, चाहे वो किसी जगह पर काम करें, क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज का यूथ, जैसे आप उनकी आंखों के तारे बनकर साथ में भी रहे हो पापा के और अपना इंटरेस्ट भी, क्योंकि जब पैसे में मज़ा आने लग जाता है, कमाने में किसी चीज़ में पैसे बचना शुरू हो जाता है, तो एक अलग सा एक इंटरेस्ट रहता है और वो इंटरेस्ट आप में डेवलप हो चुका है। या एक्चुअली मेरे को स्टार्टिंग में पापा ने एज अ कमीशन कहते थे कि चाहे आपकी दुकान है बट एज अ कमीशन लेके चलो, एक चेयर सेल करोगे 10% कमीशन, मतलब कमीशन वाज गुड बट द थिंग इज़ कि एफर्ट करना पड़ता था एक चेयर बेचने के लिए, कि हाँ एक चेयर बिकेगी तो 10%। ऐसे करते करते स्टार्ट किया, लाइक थोड़ा सेल करना कि कैसे कस्टमर को जैसे सेल करना बेसिकली। सो बाकी आज जैसे आप कह रहे हो कैनेडा एंड ऑल, मतलब हाँ यूथ का इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्रीज़ में, बट आई थिंक आजकल कनाडा से उठ गया है। सो मतलब हाँ, जिन्हों को है वो अच्छी बात है, नहीं है तो देन आल्सो इट्स फाइन, इट्स पर्सनल चॉइस। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे चेयर्स की, गोल्डन चेयर की बात करें, तो आपने वाकई में ऐसा एक फीलिंग दे दिया लोगों को कि जब वो आते हैं तो उनको लगता है कि वाकई हम लोग एक गोल्डन चेयर पर बैठे हैं, और जो कंसेप्ट आप लेकर आए हैं, जैसे आप इंस्टा से आप फॉरेन के जितनी भी आउटलेट्स हैं उनसे चीज़ें लेते रहते हैं और नई नई क्रिएशंस करते रहते हैं, क्योंकि बनाने वाले इन चीज़ों को, पापा के पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस और इतने लोग हैं आपके पास, इतने कारीगर हैं, और आपकी क्रिएटिविटी दोनों मिलकर एक काम कर रहा है। यस डेफिनेटली, अभी इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अभी
हाँ बन गए हैं बट अभी तक लॉन्च नहीं किए, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज़्यादा सेल होना स्टार्ट हो एंड उसके बाद वो जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर रख के एंड लाइक चेयर्स में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और जो यहाँ पर नहीं अभी प्रेजेंट इस वक्त, सो वो भी होली होली से स्टार्ट करके एंड आई थिंक कि वो अच्छा चला जाएगा वो चीज़। कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी आपके पास अवेलेबल हैं इस गोल्डन चेयर में, क्योंकि नाम गोल्डन चेयर है, नो डाउट चेयर्स का हम लोग जाल बिछा हुआ है, सोफाज का जाल बिछा हुआ है, लेकिन उसके साथ आप लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास 34 ईयर का एक्सपीरियंस है और कोई भी चीज़ बंदा कहे ये बनाना है वो आपको फ़ोटो भेजे वही चीज़ बन जाती है। यस कस्टमाइज्ड अवेलेबल है, लाइक अगर किसी को कुछ डिज़ाइन पसंद है या उनको ये डिज़ाइन नहीं पसंद या कुछ भी चीज़ में वेरिएशन करना है तो दैट्स पॉसिबल। बाकी जौन से प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पे नहीं है वो है रिक्लाइनर्स एंड ऑल, तो वो भी जैसे द सोफाज जो अपने आप चल जाते हैं, सो दैट्स द थिंग। बाकी रिक्लाइनर्स एंड ऑल वुड बी लॉन्च सून। बाकी यहाँ पे स्टिल वी हैव अ सोफ़ा वाली चेयर्स, लाइक सोफ़ा चेयर्स वी हैव वुडन में भी, आयरन में भी है, वी हैव अ सोफ़ा, वी हैव बीन बैग्स, वी हैव लाइक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या कहना चाहेंगे कि किचन के कंसेप्ट हैं, लोगों के ड्राइंग रूम के कंसेप्ट हैं, आप आने वाले समय में और इसको इस चीज़ को गोल्डन चेयर को उस चीज़ पर भी लेकर जाएंगे कि लोग बताएं कि ये चीज़ हमने बनानी है। आपने तो केवल उन्होंने तो बताना है कि हमारी ड्राइंग रूम आपने डेकोरेशन करनी है उसकी। क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप लोग इस फील्ड को और बढ़ाएंगे और लोगों को अपने साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे? हाँ और डेफिनेटली लोग तो और जुड़ेंगे बिकॉज जैसे जैसे एक बिज़नेस इंक्रीज़ होता है तो लोग तो जुड़ते ही हैं, सो लाइक काम बढ़ेगा लोग जुड़ेंगे, सेल होंगे ज़्यादा प्रोडक्ट्स, तो वो तो चीज़ चलती रहती है, इट्स द बेसिक लाइफ ऑफ बिजनेस कि पहले बिजनेस इंट्रोड्यूस होता है फिर वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है, तो दैट्स विल गो हैंड बाई हैंड। क्या कहना चाहेंगे कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, ये नहीं है कि गोल्डन चेयर्स है, ये पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि पापा का लंबा एक्सपीरियंस, दादू का लंबा एक्सपीरियंस था और वो लोग परचेजिंग पावर है उनमें, उनके पास लेबर इतनी है कि वो लोग काम कराने में वो चीज़ें हैं जो वो अगर वो किसी और शोरूम में जाते हैं तो काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पर आपके रेट्स हैं जो बहुत ही कम्पिटिटिव दिए हुए हैं पापा ने। या डेफिनेटली मतलब जो भी यहाँ पे चेयर्स के प्राइसेस हैं अगर हम कंपेयर करते हैं तो इट्स गुड, लाइक हम यहाँ पे वैसे ऑफर्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली लॉन्च करते रहते हैं, लाइक राइट नाउ जॉन से चेयर पे हम बैठे हैं वैसे दिस इज़ द सेट फॉर मतलब आई कांट से अभी कितने का सेट है बट वी हैव जस्ट प्रोवाइड डिस्काउंट इसमें 10,000 का, सो लाइक वी आर जस्ट सेलिंग दिस चेयर्स 10,000 ऑफ में, सो लाइक ऐसे ऑफर्स फ्रीक्वेंटली हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, बस अवेयरनेस कम है लोगों को, वो सून हो जाएगी बिकॉज अभी आई गेस सिक्स मंथ्स हार्डली हुए हैं इस शॉप को खुले हुए, तो डेफिनेटली एक बिजनेस इस्टेब्लिश होने में 1 ईयर तो लगता ही है, सो ग्रेजुअली आई थिंक कि इसका लाइक स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड आई थिंक कि रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। क्या कहना चाहेंगे कि हर्ट ऑफ सिटी में पापा ने आपको ये बना कर दिया है, यहाँ पर बिल्कुल हर्ट है लुधियाना का, वहाँ पर आप बैठे हैं, एम्बियंस यहाँ का बहुत बढ़िया है, फुली एसी है और बंदा अंदर आता है तो उसको हॉस्पिटैलिटी मिलती है। आप लोगों ने जैसे अपने एम्प्लॉइज़ को भी बोला हुआ कि आपने बहुत ही लाइट, और क्योंकि बंदा जो परचेज करने आता है तो उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि उसको अंदर आकर थोड़ा सा सुकून प्राप्त हो। या डेफिनेटली, तो बेसिकली आजकल लाइक एयर कंडीशन होना, दीज थिंग्स आर रिक्वायरमेंट, अब ये नहीं कि देर इज़ एन ऑप्शन, ये रिक्वायरमेंट्स है, लोग आते ही वहाँ पे हैं जहाँ पे मतलब एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, लाइक व्हाट आई फेल्ट पिछले कुछ शॉप से दैट अगर एम्बियंस अच्छा होगा देन लोग डेफिनेटली आएंगे, नो मैटर व्हाट आर योर प्राइजेस, लोग आएंगे पूछेंगे एंड देन दे विल मेक द चॉइस, तो बेसिकली लोगों का आना इट्स इंपॉर्टेंट, उसके बाद चॉइस करना वो अपने आप चीज़ जब देखते हैं, जब क्वालिटी देखते हैं, जब वो देखते हैं कि इसमें कितना लाइक एज कम्पेयर टू अदर शॉप्स की कितना बेटर प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली दे विल बाय द प्रोडक्ट उधर से। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि ये ब्रांड जो है वो परमात्मा की कृपा से इतना ज़्यादा बढ़े, एक दिन ये जो लड़की है इसके साथ लोगों को बात करना भी ऐसे लगे हम उसके साथ बात कर रहे हैं। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब हम चाहेंगे कि आप हमें सारा शोरूम विजिट कराएं। सो ये हमारी शॉप है गोल्डन चेयर्स, मतलब वी हैव एस्टैब्लिश्ड द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 34 ईयर्स।
ये हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ चेयर है, सो इट्स बेसिकली अ किचन चेयर. लाइक किचन में जब व्हेन लेडीज वांट टू जस्ट सिट इन द किचन व्हाइल वर्किंग, सो दिस चेयर इज़ यूज्ड फॉर द सेम. एंड इसके जो लेंथ है इट्स अकॉर्डिंग टू द किचन का साइज की कितने लेंथ एंड ऑल है. एंड कलर्स इसमें हर कोई कलर अवेलेबल है एंड हर साइज अवेलेबल है. तो ये हमारे पास सोफाज हैं कुछ जिसकी क्वालिटी लाइक इट्स वेरी ड्यूरेबल एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस. नेक्स्ट ये हमारी चेयर्स हैं. इट्स अ सोफा चेयर, इट्स अ वुडन चेयर. कमिंग ऑन इट, इट्स अ ग्रीन कलर चेयर. बेसिकली इट्स अवेलेबल इन ईच एंड एवरी कलर. आयरन चेयर है एंड अगेन दीज आर द वुडन चेयर्स. लाइक राइट नाउ दीज वुडन चेयर्स आर ऑन सेल, लाइक इफ़ यू वांट टू बाय इट. सो दिस इज़ आर सिंगल पीस चेयर. सो दिस इज़ अ आयरन सोफा विच इज़ लाइक आपने शायद ना सुनो पहले. सो दिस इज़ द बीन चेयर. उसके बाद दिस इज़ आर सोफ़ा, क्रीम कलर बीन सोफ़ा. एंड ये नॉर्मल आयरन चेयर है, अगेन सोफ़ाज. सो बेसिकली यू विल गेट द लॉट ऑफ वराइटी हेयर चेयर्स में. लाइक सोन हमारे रिक्लाइनर्स एंड ऑल भी स्टार्ट हो जाएंगे, बट दिस इज़ दीज आर द नॉर्मल चेयर्स. सो या दैट्स इट. बट वी हैव वन मोर थिंग, दीज आर द स्पेशल टेबल्स दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम लाइक एनी अदर कंट्री. सो बेसिक थिंग दैट वाई दीज टेबल्स आर फेमस फॉर, इट्स द डिज़ाइन, इट्स द यूनिक डिज़ाइन दैट्स वेरी दैट्स अवेलेबल रेयरली. सो दिस इज़ द न्यू कंसेप्ट दैट वी ब्रॉट. सो ऑल थैंक यू सो मच.